हेलो व्यूअर्स, इस लेसन में हम आपको फोटोज़ या इमेजेस पर 3D इफेक्ट्स लगाना सिखाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप इमेज जो है जिस पर आप 3D इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाकर आप पिक्चर्स में से जो पिक्चर मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया मैंने, आप इसको थोड़ा सा आप रिसाइज कर लें। फिर आप इसकी एक कॉपी बनाएं, हमें 2 पिक्चर्स की ज़रूरत होगी, तो आप इस पे इसको कॉपी करके फिर आप पेस्ट कर लें और इसको साइड पे कर लें। इसको हम बाद में और इसको अलाइन कर लें, कहीं पर भी आप अलाइन कर लें। इसके बाद फिर आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे जो क्रॉप है ये पिक्चर फॉर्मेट में, क्रॉप में आप आएँ और इसको क्रॉप कर लें जहाँ तक आई थिंक ये ठीक है। थोड़ा जूम कर लें, फिर इस क्रॉप पे क्लिक करके इसको क्रॉप कर लें। फिर आप यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स हैं इसमें से जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप इसमें सेलेक्ट कर लें। मैं ये वाला इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, देखें चेक कर लें, तो मैं ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसको जो इसको आप शेप्स में जो है वो कन्वर्ट कर ले, तो क्रॉप टू शेप्स, यहाँ पे आपने क्रॉप नहीं करना, आपने डाउन ड्रॉप क्लिक करके आपने क्रॉप टू शेप्स और ये वाला ट्रिपजॉइड ये वाला जो है आप सेलेक्ट कर ले। तो ये ऑलरेडी पर्सपेक्टिव जो है वो मूड इसमें एक्टिव हो गया है। अब आप इसको यहाँ पे जो येलो सर्कल है इसको आप थोड़ा सा इसी तरह से आप इस पर ये इफेक्ट जो है ये क्रॉप टू शेप वाला इफेक्ट ट्रिपजॉइड वो आप अप्लाई कर ले। फिर आप इस इमेज को यहाँ पे लाएं और इसका बैकग्राउंड जो है वो आप रिमूव कर लें। तो आप इस पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे जो रिमूव बैकग्राउंड है वो आप कर लें। अब ये रिमूव बैकग्राउंड जो है, जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से ये बैकग्राउंड जो है ये सेलेक्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पे जो पार्ट्स रहते हैं यहाँ पे ये मार्क एरिया टू रिमूव, इससे आप ये वाले भी सेलेक्ट कर लें, ड्रैग कर लें इस तरह, और ये इस तरह जितने भी पार्ट्स हैं वो आप रिमूव कर ले। इसको थोड़ा जूम कर ले ताकि जो भी एरियाज हैं इसको आप आसानी से रिमूव कर सके। ये देखें ये वाला इस तरह, ये भी आप रिमूव कर ले। इस तरह जितने भी पार्ट्स हैं वो आप रिमूव कर ले। फिर आप कीप चेंजेस पे क्लिक कर ले, तो ये इसने जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लिया है। अब आप इस ये वाला जो पिक्चर है, दूसरा सेकंड वाला पिक्चर, इसको आप क्रॉप कर लें, जिस यानी इससे मैच जहाँ तक पॉसिबल हो आप एक्यूरेटली आप इस इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे जो तलाब से जूम बैक कर लें, जूम आउट सॉरी, और यहाँ पे क्रॉप कर लें फिर से और इसको यहाँ पे इसके साथ मैच कर लें। अब आप इस इमेज को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर लें और यहाँ पे जो डिज़ाइन है आप डिज़ाइन में आए और जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है यहाँ पे आप कोई सा भी बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं ग्रेडियंट फिल जो है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए वाओ। इस अब ये 2 पिक्चर्स हैं, अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं एक साथ तो आप पहले इसको सेलेक्ट कर लें और फिर शिफ्ट क्लिक करके दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लें और फिर इसको ग्रुप कर लें। इस तरह ये एक ग्रुप की अब ये एक ग्रुप बन जाएगा और इस तरह आप इसे फिर रिसाइज और इस तरह पे इस पे 3D इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।